द कपिल शर्मा शो से बाहर होने के बाद सुनील ग्रोवर की स्थिति बेहद ख़राब हो गई है। वो सड़कों पर छोले कुलचे बेचते हुए देखे गए थे और उसके बाद से अब वो जूस बेचने को मजबूर हैं। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये जब जानने की हमने कोशिश की तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। जनता को खूब हंसाने वाले सुनील ग्रोवर न जाने क्या क्या कर चुके हैं। जनता को हंसाने के लिए सुनील ग्रोवर अब सड़क पर आ गए हैं। कभी वो ढाबे पर दाल बनाते हुए दिख जाते हैं तो कभी वो सड़क पर छोले कुलचे बेचते नजर आए। अब सुनील ने अपना नया काम शुरू कर दिया है। इस बार वो अपना जूस बेचते हुए एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर चुके हैं। सुनील ग्रोवर अपनी शानदार कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। अगर वो किसी शो का हिस्सा नहीं है तो भी वो लोगों का मनोरंजन करने से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते। वो सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ मज़ेदार पोस्ट ज़रूर फैंस के लिए शेयर करते रहते हैं जिससे उनका मनोरंजन होता रहे। अब सुनील ग्रोवर ने अपना एक नया वीडियो शेयर किया है जिसमें वो जूस बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। सुनील ने अपना ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, अपनी डार्लिंग को ये जूस पिलाओ। वीडियो में सुनील ने जूस का दाम भी बताया जो कि 20 रुपए था। सुनील ग्रोवर ने इससे पहले वैलेंटाइन डे के दिन एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो छोले कुलचे बना रहे थे। सुनील ग्रोवर ने ये वीडियो को शेयर कर लिखा था, वैलेंटाइन डे पर अपने प्यार को छोले कुलचे ज़रूर खिलाओ। सुनील ग्रोवर का ये वीडियो खूब वायरल हुआ था। आखिरी बार वेब सीरीज तांडो में वो नज़र आए थे। इस सीरीज में सुनील ने अपने कॉमिक अवतार से इतर संजीदा रोल निभाते हुए सबको चौंका दिया था। हालांकि दर्शकों को सुनील ग्रोवर का ये रूप भी खूब भाया था। इससे पहले सुनील ग्रोवर गब्बर इज बैक और भारत जैसी फिल्मों में भी मुख्य भूमिका अदा कर चुके हैं। आपको बता दें कि सुनील ग्रोवर अपनी तमाम एक्टिंग की वजह से फैंस के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। कपिल शर्मा शो का भी अहम हिस्सा रहे थे। उनके किरदार गुत्थी से लोग बहुत प्रभावित हुए थे और गुत्थी ने लोगों को खूब गुदगुदाया था, खूब हंसाया था और शो से जाने के बाद सब लोग बहुत दुखी हो गए थे। सुनील ग्रोवर का ये अंदाज़ आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। देखते रहें बिग स्क्रीन, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।